5 जून है, यानी विश्व पर्यावरण दिवस। इस दिन को और खास बनाने के लिए सुल्तानपुर में IMA ने साइकिल रैली निकाली, जिसमें दर्जन भर से ज्यादा डॉक्टर्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। सुल्तानपुर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर AK सिंह के नेतृत्व में आज साइकिल रैली निकाली गई। ये रैली मशहूर धार्मिक स्थान पारिजात परिसर से निकाली गई थी। इस दौरान इसमें आए हुए डॉक्टर्स भी काफी खुश नजर आए। रैली का मकसद लोगों को पर्यावरण के लिए जागरूक करने से था। इस बाबत जब डॉक्टर से सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि ये रैली लोगों को पर्यावरण के लिए जागरूक करने के साथ साथ इस हिसाब से की जा रही है कि लोगों को उनके आसपास होने वाले प्रदूषण की भनक भी लगी रहे। जिस हिसाब से पर्यावरण प्रदूषण लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, ऐसे में साइकिल का यूज करना काफी अच्छा होगा। हम लोग काफी दिनों से इस बात को सोच रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं कि जिस तरह से प्रदूषण और गाड़ियों का आवागमन, उनकी स्पीड बढ़ती जा रही है, इसको लेकर के स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है। और कई बार हम लोग पहले भी साइकिल रैली निकाले हैं, लेकिन इसको हम लोग रेगुलर नहीं कर पा रहे हैं। अभी 3 जून को हमारा वर्ल्ड साइकिल डे था, जिसको पूरी दुनिया ने सेलिब्रेट किया। उसी के तहत हम लोग आज साइकिल रैली में IMA सुल्तानपुर के सभी लोग अपनी भागीदारी किए हुए हैं। IMA अध्यक्ष ने आगे कहा कि वे जिला प्रशासन से मांग करेंगे कि जो भी सड़कें बन रही हैं उसमें एक साइकिल ट्रैक भी बने तो ज्यादा अच्छा होगा। साथ ही साथ स्पीड की क्षमता कम करने का एक बोर्ड लगाया जाए, जिससे साइकिल चलाने वालों का एक्सीडेंट से बचाव हो सके। और आने वाले समय में हम लोग प्रशासन से निवेदन करेंगे कि जो भी सड़कें सुल्तानपुर शहर की तरफ आ रही हैं उन पे एक स्पीड लिमिट को रखा जाए, जिससे कि कोई दुर्घटना न घटे जब आदमी साइकिल चलाए। सबसे बड़ा डर इसी का है, जो साइकिल चलाता है कहीं दुर्घटना का शिकार ना हो जाए। और दूसरी चीज़, हम लोग निवेदन करेंगे कि जो भी रोड्स शहर की तरफ आ रही हैं आउटर में, उस पर एक बोर्ड लगवाया जाए कि स्पीड लिमिट आपकी इतनी है। उस स्पीड लिमिट को इमरजेंसी कोई हो, अगर आप क्रॉस करेंगे, एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे तो आपके ऊपर फाइन किया जाएगा, ऐसा हम लोगों का सोचना है। इस रैली में प्रमुख रूप से IMA के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर PK शुक्ला, IMA सचिव अंकुर सेठ, डॉक्टर आशीष सहित करीब 2 दर्जन से ज्यादा डॉक्टर्स मौजूद रहे, जो रैली के दौरान काफी उत्साहित भी नजर आए। ये खबर हमारे संवाददाता अफजल खान ने कवर की है। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। साथ ही अगर आप इस खबर से यूट्यूब पर रूबरू हो रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।